हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन डीएमआर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग टेंस में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को अच्छे तरीके से समझ चुके थे। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग इसका पहचान समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो जब किसी वाक्य के अंत में रही है और रहे हैं इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, समझिएगा कि जब किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बनावट का नियम। ये जो हमारा था डेफिनेशन था, मतलब की परिभाषा था, पहचान था। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर को समझेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों, ये जो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब फॉर्म्स मैंने आपको बता दिया था फर्स्ट वीडियो में ही कि वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर कहां 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 कब कब लगता है। तो अब हम लोग समझेंगे यूज ऑफ इज एम आर। तो हम लोग पहले समझेंगे यूज ऑफ एम। देखिए, एम जो होता है वो सिर्फ आई के साथ ही लगेगा। आई मतलब जब मैं दिया होगा तभी लगेगा, मैं मतलब मैं से रिलेटेड, मैं दिया रहेगा तो क्या लगेगा, आई लगेगा। मतलब मैं दिया रहेगा तो क्या लगेगा, आई, और आई के लिए लगता है एम। अब हम लोग समझेंगे यूज ऑफ इज। इज कहां कहां लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इज लगता है थर्ड पर्सन, सिंगुलर, नंबर के साथ। सिंगुलर नंबर के साथ इज लगता है। तो आप समझिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि थर्ड पर्सन किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, या मैं यहीं पे भी समझा देता हूं। थर्ड पर्सन सीधा सीधा समझिएगा दोस्तों कि ही, सी, इट को हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। और सिंगुलर नंबर मतलब कोई भी एक नाम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोती, लकी, ये सब कोई एक नाम हो गया, उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर। अब हम लोग समझेंगे यूज ऑफ आर। यूज ऑफ आर, आर कहां लगता है? तो आर लगता है पहले प्लूरल नंबर में और बाकी जो होता है फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन को छोड़ के सेकेंड पर्सन, जैसे कि यू, यू में लग जाएगा, यू में लगेगा, वी में लगेगा, दे में लगेगा, इन सभी चीजों में क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। मतलब आप सीधा सीधा समझिएगा कि आई को और थर्ड पर्सन को छोड़ देना है, सिंगुलर नंबर को छोड़ देना है, बाकी सबके जगह हम लोग आर का उपयोग कर सकते हैं। अब हम लोग जो है इसको बनाएंगे, इसका दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं राम,
बाजार जा रहा है. Ram is going to market. ठीक है. उसके बाद तुम स्कूल जा रहे हो. You are going to school. तो ये देखिए, मैंने बताया था कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हो या रही है इत्यादि लगा रहेगा, वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. मैंने इसका एग्जांपल, डेफिनेशन और स्ट्रक्चर भी लिखवा दिया है. तो दोस्तों, वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों.